बहुत कम दिन रह गए हैं शादी को या कोई फंक्शन को, दिन में 3 दफ़ा ये कर लो या दिन में 2 दफ़ा कर लो, अगर नहीं अगर टाइम है आपके पास हर रोज़ सुबह कर लीजिए, नहाने से पहले कर लीजिए। सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। सबसे पहले हमें बाउल चाहिए मिक्स करने के लिए। उसके बाद ये हमें बकरी का दूध चाहिए। बकरी का दूध हमें इसलिए चाहिए कि बकरी के दूध में बहुत ज़्यादा स्किन वाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। कच्चा बकरी का दूध चाहिए हमें, आप लोग ये ले लें। अगर आपके पास बकरी का दूध अवेलेबल नहीं है तो कोई भी आपके घर जो दूध होता है उसको कच्चा आप लोग यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, अब सवाल आएगा कि बकरी का दूध हम ले लें अगर तो हम स्टोर इसको कैसे करें। तो मैं इसको स्टोर कैसे करती हूँ, ये आइस क्यूब्स होती हैं, ठीक है। मैं आइस क्यूब्स के अंदर बकरी का दूध कच्चा डाल के इसको फ्रीज़ कर लेती हूँ। अगर आप लोग को बकरी का दूध इजीली अवेलेबल नहीं है और कहीं से आप ले रहे हैं तो आइस क्यूब्स में इसको फ्रीज़ कर दें, फ्रीज़ किया हुआ दूध खराब नहीं होता, ठीक है। सबसे पहला तो ये हो गया। उसके बाद हमें चाहिए कचूर पाउडर। कचूर पाउडर एक जड़ी बूटी टाइप होता है, इतना सा पत्थर की फॉर्म में। इसको आपने पंसार की दुकान से लेना है पिसवा के, घर नहीं पीसना, घर बहुत मुश्किल होता है इसको पीसना। ये इस तरह का आपको दिखाई देता है, ठीक है, पाउडर की फॉर्म में हो जाता है इसे पीस के, ठीक है, इसको कहते हैं कचूर पाउडर। चाहिए दही, दही बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए, दही हो गया। उसके बाद जो हमें लास्ट चीज़ चाहिए वो है जौ का आटा। जौ का आटा, ये आपको कचूर पाउडर और जौ का आटा पंसार की दुकान से ईजिली अवेलेबल हो जाएगा, आप लोग ले सकते हैं पिसा हुआ। हम एक सिंपल बाउल लेते हैं। अब हमने क्वांटिटी कितनी रखनी है, ये क्वांटिटी का हिसाब मैं बता रही हूँ आप लोगों को। सबसे पहले इस बाउल के अंदर हम लोगों ने 1 चम्मच जौ का आटा डालना है, इतना भर के ये हमने डाल दिया, ठीक है। अब ये कचूर पाउडर है, इसके अंदर हमने 3 चुटकी कचूर पाउडर की डाली है, 1, 2 एंड 3, ठीक है, ये डाल दिया। उसके बाद इसके अंदर 1/2 टेबल स्पून हमने दही का ऐड करना है, ये हमने दही का ऐड कर दिया, ठीक है। अब जो कच्चा दूध है, जो मेरे पास ये बकरी का कच्चा दूध पड़ा हुआ है, इसको हमें उतना ऐड करना है जिससे इसकी पेस्ट बन जाए, ज़्यादा पतली भी पेस्ट नहीं बनानी और ज़्यादा मोटी भी पेस्ट नहीं बनानी, इजीली लग जाए। इसके अंदर पहले हम 1 टीस्पून और 2 टीस्पून डालें। अब इसको हम ब्रश के साथ मिक्स कर लो, ठीक हो गया। ये देखो मैं आप लोगों को मिक्स करते हुए भी दिखा देती हूँ। अच्छा जी, अब हमने इस तरह की पेस्ट बना ली है, ये देखो इतनी स्मूथ पेस्ट है कि ये गिरेगी नहीं मुँह से और इतनी हार्ड नहीं है कि लगेगी भी नहीं। बिस्मिल्लाह, ये देखिए मुँह साफ हो कुछ ना लगा। चलो जी, ये मैंने अप्लाई कर दिया है, ठीक है। अब इसको मैंने कितने मिनट रखना है, उतनी देर रखना है, ना कि ये प्रॉपर ड्राई हो ना कि ये गीला हो, इतना हो कि हल्का सा हाथ लगा तो हल्का सा जिसको कहते हैं ना सिल्ला सिल्ला फील हो रहा है। जी, तो 20 मिनट गुजर गए हैं और ये हल्का सा सूख गया है, हल्का सा गीला है। तो अब हमें क्या करना है, सर्कुलर मोशन में इसकी हल्की हल्की इस तरह मसाज करनी है, ठीक है। हमने 1 मिनट हल्के हाथों के साथ इसकी मसाज करनी, ठीक है, मुँह धो लेना है ठंडे पानी के साथ, ठीक है। उसके बाद वापस आती हूँ मैं मुँह धो के, बाय बाय जी। तो अब मैंने मुँह अपना धो लिया है, रब किया 1 मिनट और अपना मुँह ठंडे पानी के साथ धो लिया। उसके बाद टिशू से टैप 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 करके साफ कर दिया सारा, ठीक है। अगर आप ये रात को कर रहे हैं तो इसके बाद आप नाइट क्रीम लगा लें, गुस्सा हम यूज़ कर रहे हैं वो लगा लें। उसके बाद अगर सुबह कर रहे हैं तो कोई भी रोज़ वाटर लेके 3-4 स्प्रे रोज़ वाटर के करते हैं, किसी भी कंपनी का आप लोग रोज़ वाटर ले सकते हैं, नो इशू। अच्छा जी, अब ये मेरा मुँह देख सकते हैं आप लोग,